नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। इसी क्रम में हम लोग आज सामाजिक तथ्यों के प्रकार, इट मीन्स टाइप्स ऑफ सोशल फैक्टर्स, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दुर्गी महोदय ने सामाजिक तथ्य के दो प्रकार बताए हैं। उन्होंने अपने पुस्तक के तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा है। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य, इट मीन्स नॉर्मल सोशल फैक्ट्स, और दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, इट मीन्स पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। तो हम लोग तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो लेंगे, सामान्य सामाजिक तथ्य ये क्या होते हैं। तो देखिए आप लोग, सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि भी करते हैं। इसे हम लोग यहाँ पर शरीर के एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम से अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है। उस समय स्वस्थ अवस्था में रुग्णता न्यूनतम होती है। यहाँ पर रुग्णता का मतलब है बीमारी से, यानी कि उस समय व्यक्ति में कम बीमारी होती है और समाज में भी जो व्यवस्था बनी हुई है वो आगे चलती रहती है। तो इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य भी सामान्य होते हैं और इस अवस्था में व्याधि के तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं। इस प्रकार सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं। दूसरा है व्याधि की सामाजिक तथ्य, इट मीन्स पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। ये वे तथ्य होते हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं और ये समाज में रुग्णता अर्थात बीमारी फैलाते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति और आत्महत्या आदि व्याधि के सामाजिक तथ्य हैं। जब समाज के व्याधि के तथ्य अधिक बढ़ जाते हैं तो समाज का सामान्य जीवन ठप हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग सामाजिक प्रकारों अर्थात समाजों के वर्गीकरण के नियम का अध्ययन करेंगे, इट मीन्स रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल टाइप्स। आज हम इसका अध्ययन करेंगे दुर्गी महोदय के अनुसार। देखिए, दुर्गी ने अपने पुस्तक के चौथे अध्याय में सामाजिक प्रकारों अर्थात समाजों के वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख किया है। दुर्गी ने समाजों का वर्गीकरण करने के लिए सरलता अर्थात सिंप्लिसिटी को आधार माना है, अर्थात समाजों का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है और यह बात उसने स्पेंसर से ग्रहण की थी। स्पेंसर ने भी उद्विकासीय नियम के आधार पर समाजों को दो भागों में बांटा था, सरल समाज और मिश्रित समाज, किंतु उसने इसकी विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया था और यह कार्य दुर्गी महोदय ने किया है। दुर्गी के अनुसार सरल समाज वह समाज है जिसके अंदर भिन्न भिन्न निर्माणक इकाइयां नहीं होती है वरन एक ही संपूर्णता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जीवों की शरीर की रचना में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सरलता के आधार पर दुर्गी ने चार प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है। उसमें है नंबर एक सरल समाज, दूसरा है बहुखंडीय सरल समाज, तीसरा है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और चौथा है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। तो हम लोग जो पहला है सरल समाज, इट मीन्स सिंपल सोसाइटीज, हम यहाँ पर इसकी विवेचना करेंगे। तो सरल समाज को परिभाषित करते हुए दुर्गी महोदय लिखते हैं कि सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है तथा जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। सरल समाज के खंड नहीं होते हैं अर्थात सरल समाज में और अधिक सरल समाज सम्मिलित नहीं होते तथा इसमें अतीत में भी किसी तरह के खंड या अन्य समाज सम्मिलित नहीं होने चाहिए। दुर्गी ने सरल समाज के उदाहरण में घुमक्कड़ों के झुंड एवं गोत्र को दर्शाया है। घुमक्कड़ों के झुंड में न तो पहले कोई सरल समाज सम्मिलित था और न अब है। यह समाज एक सामाजिक खंड कहा
जा सकता है। दूसरा है बहुखंडीय सरल समाज, इट मीन्स सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज, इन्हें मिश्रित समाज भी कहते हैं। इनका निर्माण गोत्र समूहों के मिश्रण से होता है जिनमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है, इसलिए इन्हें बहुखंडीय समाज कहा जाता है। चूंकि इनका निर्माण करने वाले खंड सरल समाज होते हैं अतः ये बहुखंडीय सरल समाज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दुर्किम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों, अमेरिका की इराक्विस जनजाति एवं प्राचीन यूनान की बिरादरी जनजाति को सम्मिलित किया है। तीसरा है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, इट मीन्स सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज। हम इसका अध्ययन करेंगे, विवेचना करेंगे। इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल हो जाती है। जनजातियों को इसी श्रेणी के समाज में रख सकते हैं। जैसे रोम के नगर राज्यों का निर्माण करने वालों जनजातियों को भी दुर्किम श्रेणी में समाज कहता है। चौथा है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, इट मीन्स डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। दुर्किम ने इन्हें सबसे जटिल समाज कहता है जो विकास के क्रम में उच्चतम क्रम में है। इनका निर्माण साधारणतः मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है। इसके उदाहरण है बड़े बड़े नगर और राजधानियां इसी प्रकार के समाजों की श्रेणी में आती है। धन्यवाद।